छोटी छोटी का तो तेरे पास है, का तो है, तो बड़ी का बस दफन दे दे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज का टाइम मुझे 9:30 को हल्की फुल्की झलक दिख रही होगी मेरे पीछे, और अभी मैं जस्ट अभी अभी उठा हूँ। मेरा ऑलमोस्ट मैं कल नाइट 5 बजे सोया था और अभी अभी जस्ट उठा हूँ, और देन उसके बाद अब हमें जाना है, फैमिली के साथ जाना है, तो अभी फिर निकलना पड़ेगा थोड़ी देर में, ऑलमोस्ट कुछ आधे घंटे में निकलना है। तो मैं ये अपना यार काम फिनिश करके एंड रेडी होके फिर हम निकलते हैं और आगे की आपको जर्नी दिखाते हैं। गाइस, आज आलू के पराठे बन रहे, तो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेरे आलू के पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अब खाएंगे हम आलू के पराठे और उसके बाद फटाफट रेडी होंगे एंड देन फिर निकल जाएंगे अपनी जर्नी के लिए। तो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ जहाँ पे हमें जाना है, तो जैसा आपको दिख पा रहा होगा मेरा लुक थोड़ा कूल लग रहा होगा मे बी। फाइनली अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं जहाँ पे हमें जाना है, वो बेसिकली जगह का नाम है हापुड़। तो मैं आपको बीच के थोड़ा बहुत सीन दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि अब थोड़ा बहुत ग्रोथ हो गया है हापुड़ में। पहले जब हम जाते थे उधर बहुत ही ज्यादा क्राउडेड थी और रोड भी इतनी अच्छी तरह बनी नहीं थी, लेकिन आज के समय पे आप अगर आपको आस पास में दिल्ली में कहीं भी जाना है, हापुड़ में या कहीं पे भी, तो आप इजिली जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे पुल मिलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा और सीन दिखाता रहूंगा और अब फटाफट हम चलते हैं, और फिलहाल मैं अपने कजन भाई का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर में वो भी आने वाला है, फिर हम फुल फैमिली निकलते हैं। फाइनली गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाइनली सौरभ आ चुके हैं, अब हम थोड़ी देर में निकलते हैं। अभी हम हापुड़ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हम पेट्रोल पंप में पहुंचे, भी पेट्रोल डलवा रहे हैं। बेसिकली जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे पेट्रोल पंप है, जो कि यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक सा लग रहा है, ज़्यादा खास नहीं लग रहा है, इसके थोड़ा मान लिया ना। बाकी अभी आगे का मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और मिलेंगे थोड़े बहुत सीन्स के बाद, तब तक चलते हैं, पेट्रोल डल गया फटाफट पास देंगे। जाम है, जाम ही कम पड़ जाए। यही है मेरे हिसाब से, वो यही है यार, यही वाला है ना। हाँ यही है, आएंगे फिर। हाँ कर दो, करेंगे लॉक तो कर देना है। देख देख देख, हो गई लॉक है। हाँ हाँ डबल लॉक है ना। तो गाइस अभी हम हापुड़ की गलियों में हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे हापुड़ है। सो गाइस, ज़्यादा क्या देख पा रहे हैं, मैं अभी हापुड़ की गलियों में घूम रहा हूँ, जो कि मेरे को अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड लगा। तो रियली मैं बताऊँ, अगर आप कभी भी हापुड़ के मेन मार्केट में आए तो ध्यान से आइएगा, बिल्कुल भी कार लेके तो गलती मत आइएगा, कार लेके आके तो फंस गए। और यहाँ पे पुराने पुराने किले जैसे कुछ घर बनाए हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा घूम के दिखाता हूँ, तो अच्छे लग तो रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ की मेन मार्केट में बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहता है। तो गाइस हम हापुड़ पहुंच गए, मैंने अभी आपको हापुड़ के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ किया था। फिलहाल हम यहाँ पे दर्शन करने आए थे, मैं फैमिली के साथ आया था यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पे कीर्तन के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे दर्शन करके देन हम यहाँ से निकल जाएंगे राघव एजेंसी। हम फटाफट निकल चुके हैं और भूख तो लग रही है बहुत जोर शोर से, तो मार्केट में कुछ छोले भटूरे जैसा कुछ दिख गया था, कुल्चे टाइप। प्लानिंग कुछ ऐसी कि खाई जाए या फिर वहीं पे चले थे ना, मेन जाना है वहाँ पे, देखते पहले पूछ लेते भाई सब पे, फिर खाएंगे। ये रहे हमारे सौरभ महाराज हमारी इस नई ट्रिप में। गाइस को पता ही ट्रिप है, हम तो प्लेट लपेटेंगे। तो
तो फाइनली कि छोले भटूरे की हम ट्राई करेंगे आज। गाइस हम पहुंच गए हैं अपने नई लोकेशन पे, जो है राघव एजेंसी, जो कि सो बेसिकली गाइस राघव एजेंसी में कीर्तन के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया है। सो अभी फिलहाल हम वहाँ पे जाएंगे। सो फाइनली गाइस हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं एंड लंगर भी कर लिया है। अब थोड़ा बहुत ऐसा कैजुअली यहाँ पे बैठे पड़े और हमें ये जनाब मिल गए। अरे पानी पिएंगे मास्क से करना पड़ेगा ना। मास्क 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 अब तो खा भी नहीं रहा तू, बच जाता भाई। थोड़ा और ऊपर, गलत है, थोड़ा और ऊपर, पूरा आंखों से भी ऊपर। हाँ ये ऐसे मास्क दोबारा रिटेक कहा। हर एक चीज देख रहे वही तो वायरल हो जाओगे, फेमस हो जाओगे। अरे भाई ध्यान से आपकी सरकार है, आपकी सरकार। बार बार पास आके बोलते मास्क नाक के ऊपर रखो, मास्क नाक के ऊपर रखो, और मैं हर बार एक नए तरीके से इनको दूर भेज देता। ये मेरा अलग ही टैलेंट था, समझ लो या कुछ भी समझ सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। बाकी अच्छी थी जो भी चीज़ थी। ज्यादा जूम हो गया अब तो भाई। फटाफट शूज पहनते हैं एंड उसके बाद हम निकलते हैं। रेड कार्पेट जैसे कि देखो दोस्तों, आप देख पा रहे हो मैं रेड कार्पेट पर आखिरकार वॉक कर रहा हूँ। रेड कार्पेट पे मैं वॉक कर रहा हूँ, अब ग्रीन हो चुकी है, मतलब कि अब मैं सेफ जोन में आ चुका हूँ। पहले रेड कार्पेट मतलब कि बॉलीवुड। तो फाइनली गाइस कार अपनी ओपन हो चुकी है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। वहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है लोगों की। मैं चलाऊंगी कार। हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम हापुड़ में है, जो कि हापुड़ और मेरठ के बीच में है फिलहाल, और फटाफट अब हम निकलने वाले हैं। और दिल्ली ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे का रास्ता है, क्लीन तो मिल जाएगी रोड। अब चलते फटाफट, जैसा कि हॉर्न बज रहा है तो फटाफट निकलना पड़ेगा। और ये अपनी कार का गेट खुला हुआ है, तो चलिए चलते हैं ताऊ।